हेलो गाइस, तो कैसे आप? आई होप सबके सब बढ़िया होंगे। और अभी जो मैंने रिसेंट में वीडियो बनाई थी रियलमी जी टी मास्टर एडिशन की जी कैम के ऊपर, तो उसमें काफ़ी बंदों ने कहा था कि भाई आपके पास रियलमी 9 प्रो प्लस है तो इस डिवाइस का भी एक परफेक्ट जी कैम ढूंढ के दो। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि अब स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स में ही आपको इश्यू देखने को मिलता है, मतलब उन्हीं में ही जी कैम ठीक से वर्क नहीं करता। तो और दूसरे प्रोसेसर्स का तो आप बात ही छोड़ दो। इस डिवाइस के अंदर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 920 देखने को मिलता है। तो इसके लिए मैंने काफ़ी जी कैम्स ट्राई किए, मतलब कि उसमें जी टी मास्टर एडिशन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर था तो वहां पर मतलब कि ठीक ठाक वर्क कर रहे थे। बट इसके लिए मैंने काफी ट्राई किए, एट लास्ट मेरे को एक दो ही ऐसे मिले जो कि ठीक से वर्क कर रहे थे और जिनका वर्जन 7.2 और 7.3 है। मतलब आप यहाँ पर जो जी कैम का लेटेस्ट वर्जन है 8.1 वो भी यूज नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आप इस डिवाइस में कैसे जी कैम को इंस्टॉल कर सकते हो और साथ ही साथ कन्फिगर फाइल भी आपको देखने को मिल जाएगी और जो इमेज क्वालिटी है ना काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है, क्लोज टू नेचुरल फोटोज देखने को मिल जाएंगी आपको इस डिवाइस के अंदर। वैसे इसका स्टॉक कैम भी काफी बेटर वर्क करता है इसके अंदर, जो मतलब कि 50 मेगापिक्सल का सेंसर है उसका यूज करते हुए, बट जी कैम में आपको थोड़े और बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन में है ना जी कैम का और जी कैम की कन्फिगर फाइल को दोनों का ही लिंक देखने को मिल जाएगा, दोनों को आप डाउनलोड कर लेना गूगल ड्राइव से। मैंने जी कैम इंस्टॉल भी कर रखा है और साथ ही साथ आपने कन्फिगर फाइल भी डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है आपको, जी कैम को इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आप उसको ओपन मत करना। ओपन करने से पहले आपको माइल फाइल्स वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको फोन स्टोरेज में जाके आपको है ना एक अलग फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा जी कैम नेम से। पहले आप जी कैम के नेम से फोल्डर क्रिएट करना, देन उसके बाद उसके अंदर एक कन्फिग 7 करके एक फोल्डर और क्रिएट करना, देन उसके बाद जो कॉन्फ़िगर्स फाइल है ना उसको यहाँ पर मतलब आपको पेस्ट कर देना है कॉपी करके डाउनलोड्स वाले फोल्डर से। इतना काम आपको पहले करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको जी कैम का जो ऐप है उसको ओपन करना पड़ेगा और ओपन करने के बाद ये जो ब्लैक स्पेस देखने को मिलता है ना आपको शटर और मतलब जो प्रीवियस इमेज है इसके बीच में, तो यहाँ पर आपको डबल टैप करना है। काफी बार आपसे इमेजेस भी क्लिक हो जाएंगी बट यहाँ पर आपको डबल टैप करना है। तो ये देख सकते हो चूज कॉन्फ़िग फाइल का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर आपको रिस्टोर पर क्लिक कर देना है। तो रिस्टोर करते ही जो ऐप है क्लोज हो जाएगा, देन उसके बाद आप इसको दोबारा ओपन करना है। मैंने कॉन्फ़िग फाइल यूज कर रखी है तो मैं बार बार रिस्टोर नहीं करूंगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद आपको कुछ ऐसा जी कैम देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा है ना आपको यहाँ पर लैग देखने को जरूर मिलेगा बट जो इमेज क्वालिटी है ना काफी ज्यादा नेचुरल आती है। तो बात करूं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेटिंग्स की बात कर लेता हूं, तो यहां पर आपको फ्लैश गूगल AWB और मोशन और टाइमर वगैरह और रेशियो वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्विक में। देन उसके बाद सेटिंग्स में जाते हैं तो यहां पर आपको जितने फीचर्स देखने को मिलते हैं आप अपने हिसाब से मतलब उनको सेलेक्ट कर लेना और ये सेल्फी एज प्रीव्यू आपको ऑन रखना है क्योंकि जो इमेज है वो मिरर नहीं होगी फिर। और साथ में यहाँ पर आपको नीचे और भी फीचर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको 4K का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वीडियो रिकॉर्डिंग में, बट वही 30 FPS ही यहाँ पर यूज होगा, आप 4K 60 का यूज नहीं कर सकते। और वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको EIS देखने को मिलती है जी कैम के अंदर भी और जो इसका मतलब कि नॉर्मल कैमरा है वहां पर भी आपको EIS देखने को मिल जाती है। ये ऑप्टिकली में वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है बट एक्चुअली में वर्क नहीं करता है क्योंकि आपके डिवाइस में ही नहीं है, डिवाइस में इसमें आपको OIS देखने को मिलता है बट वो सिर्फ फोटोज में ही वर्क करता है। तो ये बात हो गई इसकी बेसिक सेटिंग्स की। अब बात करें तो यहाँ पर आपके सारे मोड्स वर्क करते हुए नजर आएंगे, आपको कोई भी मोड्स में दिक्कत नहीं आएगी, सारे टाइम लैप्स वगैरह कंप्लीटली वर्क करेंगे। और वीडियो के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आप चाहो तो मतलब कि सेलेक्ट भी कर सकते हो कि आपके फ्रेम रेट्स क्या हैं। यहाँ पर आपको है ना 24 फ्रेम्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसके मदद से आप सिनेमैटिक वीडियोस वगैरह भी शूट कर सकते हो। और साथ में पोर्ट्रेट भी मैंने ट्राई करके देखा था, काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। और बात करें नाइट साइट की तो इस जी कैम के अंदर नाइट साइट वर्क नहीं करता क्योंकि नाइट साइट जैसे मैं करूंगा तो ये क्रैश हो जाएगा, आप देख सकते हो आप। तो मैंने बताया था ना बहुत कम जी कैम है जो कि मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ कंपेटेबल होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ एक दो फीचर्स तो आपको ऐसे मिलेंगे जो कि वर्क नहीं कर रहे होंगे। बट अगर आपको नाइट शॉट ही लेने हैं तो आप इसके मतलब की जो डिफॉल्ट कैम है उससे लो से काफी ज्यादा बेटर आपको नाइट शॉट देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं फ्रंट कैम की, तो फ्रंट कैम भी काफी बेटर तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर आपको मतलब की कैमरा में पोर्ट्रेट्स में और वीडियो वगैरह सारी चीज वर्क कर जाएंगी और इसके अंदर भी नाइट साइट वर्क करता हुआ नजर नहीं आएगा, ऐप क्रैश हो जाता है। तो ये बात होगी इसके बेसिक इंटरफेस की। अब बात करते हैं इसके मतलब की इमेज सैंपल्स की, तो मैं आपको दो फोटोज दिखा रहा हूँ साइड बाय साइड, एक आपकी जी कैम से क्लिक की हुई, दूसरी आपकी इसके नॉर्मल स्टॉक कैम से क्लिक की है। तो आप देख सकते हो जो स्टॉक कैम वाला है ना वो थोड़ा सा फोटो को सॉफ्ट कर देता है और जो कलर्स उनको बूस्ट करता है, बट जो जी कैम वाला है वो काफी अच्छे तरीके से हैंडल करता है और जो मतलब आपकी फेस पे डार्क चीजें हैं और जो मतलब की लाइट वगैरह है उनको अच्छे तरीके से मैनेज करता है, मतलब क्लोज टू नेचुरल फोटोज देने की कोशिश करता है। तो अगर आपको नेचुरल फोटोज पसंद है तो डेफिनेटली आप जी कैम का यूज करो, बट अगर आपको लगता है कि भाई हमें थोड़ी सी एडिटेड फोटो चाहिए तो आप डेफिनेटली इसका स्टॉक कैम ही यूज करो, वो भी काफी ज्यादा बेटर इमेजेस निकालता है। बट आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट्स आए थे तो इस वजह से मैंने इसका जी कैम भी आपको ढूंढ के दे दिया है और कुछ और इमेज
सैंपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी इमेजेस आपको देखने को मिलती हैं। कलर्स वगैरह काफी अच्छे आते हैं, क्लोज टू नेचुरल आते हैं, ज्यादा कलर्स को बूस्ट नहीं करता। वैसे इसका स्टोक कैम भी इतना ज्यादा बूस्ट नहीं करता और रियलमी के डिवाइसेस के कंपैरिजन में, बट ये उससे भी कम करता है। तो यहाँ पर आपको फोटोज काफी अच्छे देखने को मिल जाती हैं और एडिट करते टाइम भी आप बेटर रिजल्ट्स निकाल सकते हो। सो ये था जीकेएम 7.2 रियलमी 9 प्रो प्लस डिवाइस के लिए। और अगर इन फ्यूचर इसमें और मतलब इंप्रूवमेंट होते हैं या फिर कोई नया जीकेएम इसमें वर्क करता है ठीक से, तो वो भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये थी सिंपल सी शॉर्ट वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज इन फ्यूचर में आपके लिए लेके आता रहूं।